यहाँ पे भी एक स्टैचू, इसका मतलब ही आधा है इधर साइड का मतलब टूट गया है। देखो ये भी स्टैचू, ये भी पत्थर का बनाया हुआ है, पूरा देखो पूरा ही पत्थर है। इनका चश्मा के साथ साथ पूरा हर चीज़ यहाँ पे लगाया गया है। आप देखो इनका स्टैचू एक, इसके अंदर यहाँ पे सारे पत्थर है, पत्थर के जितने आकार होते हैं, जितने डिजाइन होते हैं, जितने प्रकार के पत्थर होते हैं, वही सब यहाँ पे रहे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज बढ़िया रहने का हम लोग आज फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग में हम लोग अभी जा रहे हैं गाइज म्यूजियम, जो कि छपरा का अभी न्यू मतलब कुछ दिन पहले म्यूजियम खुला हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जो कि हमारे साथ है कमाल भाई। तो अभी वो गाड़ी लेकर आ रहे हैं हमारे दरवाजे पे। तभी हम पूरा फ्रेश व्रेश हो गए हैं, नहा लिए, नाश्ता वास्ता सब कुछ कम्प्लीट हो गया गाइज। तभी हम यहाँ से निकलते हैं, वहाँ जाने के बाद देखते हैं मतलब म्यूजियम में क्या एंटीक पीस, क्या चीज़ है, क्या मतलब है। वहाँ जाने के बाद ही मालूम चलेगा, क्योंकि हम लोग भी अभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, कमाल जो कि आ रहा है मेरे दरवाजा पे। तो देखो हमारे कमाल भाई हमारे दरवाजे पे आ गए हैं, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग अपने दुकान पे आए हैं, यहाँ से हेलमेट लेना है। हेलमेट है, हेलमेट देखो यहाँ से हेलमेट, आदि भाई हेलमेट दे दो। ये भाई सो गाइस आप लोग देख सकते हो, ये हमारे आदि भाई की दुकान है। और ये फ्री फायर खेलो क्या, फ्री फायर भाई थोड़ा सा साफ कर देते। देखो भाई हमारे ये आदि भाई की दुकान है, यहाँ पे सब आप लोग देखो, यहाँ से थोड़ा चीज मिलता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। इतना सफाई करने के लिए चलो चलते हैं। अभी हम लोग हाईवे पे हैं और यहाँ अभी मौसम देखो गाइस, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम है, ज्यादा धूप भी नहीं है। अब यहाँ पे बादल देखो कितना मस्त, मतलब पूरा बादल यहाँ पे छाया हुआ है, ज्यादा धूप नहीं है। देखो आसमान में मतलब सूरज है, लेकिन उतना धूप नहीं लग रहा है हम लोग को जाने में। अब हम लोग यहाँ से 20-25 मिनट और लगेगा, तो उसके बाद हम लोग म्यूजियम में पहुंच जाएंगे। यहाँ म्यूजियम जाने के बाद मैं आप लोग पूरा मतलब एंटीक पीस जो कि वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। तो जो कि आप लोग देखो वहाँ पे जो कि फिर से हम लोग आ गए हैं छपरा के ताजमहल, मतलब ताजमहल के पास। तो इसका जो कि वीडियो में मतलब पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग बेलन जो कि आइकन बटन पे मतलब मैं लगाया हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो। फाइनली गाइस अभी हम लोग पीछे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बस स्टैंड पे जाम था, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो कि छपरा का म्यूजियम में एंट्री मार चुके हैं। और यहाँ से आप लोग देख देखो कुछ यहाँ पे आप जो कि बोर्ड भी लगा है छपरा संग्रहालय छपरा। तो यहाँ से पहले हम लोग बाइक को पार्क करेंगे, उसके बाद जो कि हम लोग अंदर जाएंगे। बाइक को पार्क करो कहाँ, यहीं पे लगा देंगे कल, चलो चलेंगे यहाँ पे। तो कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग बाइक इसमें हेलमेट डाल देते हैं, यहाँ पे हम लोग बाइक को पार्क करते हैं, उसके बाद जो कि हम लोग जाते हैं अंदर, देखते हैं मतलब उसके अंदर क्या है कैसा है। हो गया, तो सिर्फ जो कि हम हैं कमाल भाई है और एक सिर्फ हम है जावेद भाई, और हसन भाई का थोड़ा सा घर पे काम पड़ गया था तो वो लोग नहीं आ पाए। और यहाँ से देखो भाई जी ये बाहर का है, आप लोग देखो बाहर में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्राउंड है। तभी इसके हम लोग अंदर चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग छपरा के म्यूजियम में आ गए हैं, तो चलिए मैं आप सभी को यहाँ का जितना भी एंटीक पीस है मैं आप सभी को दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत साल पे यहाँ से पुराना मतलब सामान जो कि एंटीक पीस रखा गया है। तो हम लोग अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो जो कि सबसे पहले गेट से आप लोग यहाँ से देखो मेन गेट से यहाँ पे अंदर आइएगा, तो यहीं पर मतलब आप सभी को यहाँ पर पहले एक गेट दिखेगा जो कि इस पर कुछ स्टैचू बनाया हुआ है। और मतलब ये गाइस आप लोग देखो ये पत्थर से बनाया हुआ गेट है, जो कि बहुत साल, अब कितना साल पुराना ये तो मेरे को भी नहीं पता हुआ है। क्योंकि जो जो मतलब इसके अंदर ये म्यूजियम के अंदर जितना भी चीज़ है वो टोटल भी मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जो कि फर्स्ट में जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, जो कि एक पत्थर के बनाए हुए गेट है, इसके मतलब अंदर देखो आप स्टैचू भी है, आप लोग देखो कुछ कुछ स्टैचू इसके अंदर मतलब बनाया हुआ है। और दूसरे साइड में इधर साइड में मैं आप सभी को दिखाता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर प्रिंट लगाया गया है जो कि ये है आगरा का किला है, और ये आप जो ताजमहल देखे ही होंगे। और दूसरा में भी ये भी जो कि आगरा सॉरी ये भी ताजमहल है कोई आगरा का ही है, ये दूसरा है ये वाला आप देखो। और इसके बाद मैं आप सभी को इधर में दिखाता हूँ, इधर भी कुछ कुछ है। तो इधर का देखो अजंता की गुफाएं हैं ये वाला, और ये अभी कुछ स्टैचू है। और इधर साइड में भी कुछ लगाया गया है, एलोरा की गुफाएँ औरंगाबाद की है ये देखो, क्योंकि ज़्यादा प्रिंट ही हमको दिख रहा है। ये भी आप लोग देखो
यहाँ पे मतलब जितना भी यहाँ पे सामने दिखेगा ना आप सभी को वो अक्सर प्रिंट ही है। यहाँ पे देखो ये भी मूर्ति है जो भी है। अभी हम रूम के अंदर आए हैं, यहाँ पे बहुत सारा ऐसी चीज़ें जो कि मतलब पूरा मतलब ये बहुत ही कलाकारी से मतलब पत्थर से बनाया हुआ है पत्थर के अंदर, और बहुत छोटा छोटा मतलब आकार में ऐसा ऐसा चीज़ बनाया गया है। तो मैं आप सभी यहाँ पे आप लोग देखो भाई मैं दिखाता हूँ। सो भाई यहाँ पे देखो ये, अब ये इसका मतलब शायद ये ज़मीन के अंदर जो मिलता है ना जितना भी पत्थर उत्थर, तो इसके मतलब निकालने में शायद ये टूट टूट गया होगा। ये देखो, और यहाँ पे भी एक स्टैचू, इसका मतलब ये आधा है इधर साइड का मतलब टूट गया है। और ये देखो इसका नेमों के साथ यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लगाया गया है, सिर्फ यहाँ पे सो मतलब आप लोग देखो पूरा मतलब सो जैसा रखा गया है चारों तरफ। यहाँ पे भी देखो ये भी स्टैचू, ये भी पत्थर का बनाया हुआ है पूरा, देखो पूरा ही पत्थर है। ये भी गई देखो सब कुछ जो कि पत्थर के अंदर ही बनाया गया है, और ये भी पूरा पत्थर से यहाँ पे जी एक मूर्ति को यहाँ पे बनाया गया है, ये भी पत्थर के अंदर ही पूरा कलाकारी किया गया है। और ये भी देखो यहाँ पे जितना भी चीज़ है ना सब यहाँ पे पत्थर से मतलब बहुत साल साल पुराना जो ज़मीन के अंदर मिलता है ना ऐसे तो सब मिला हुआ है, वो भी मतलब वही सब एंटिक पीस यहाँ पे रखा गया है। इसके अंदर देखो भाई कितना सारी यहाँ पे बौद्ध धम्म वाला जैसे होता है ना वैसे लगाया गया है, देखो पूरा कि बहुत मतलब हमको कुछ खास दिखाई नहीं, बहुत सारा ऐसे मतलब जो स्टैचू होता है ना जो पत्थर में मतलब मिलता है वही सब मतलब कुछ लाकर यहाँ पे रख दिया गया है। तो और जितना भी चीज़ है ना तो उन लोगों का सिर्फ प्रिंट मतलब यहाँ पे लगाया गया और कुछ नहीं है, प्रिंट के अलावा यहाँ पे हमको कुछ दिखाई नहीं गया सिर्फ। और यहाँ पे मैं इधर साइड में देखो यहाँ से भी पूरा रूम है, और ये सब रूम अभी बंद है, इसके अंदर कुछ रखा नहीं गया है। और इधर भी जाए देखो मतलब सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे प्रिंट ही दिखा है जितना भी है, तो मुंबई का है यहाँ पे गई मैं गया हूँ बहुत बार। और ये लाल किला में जाने मैं दिल्ली भी गया था तो इधर घूम नहीं पाया हूँ लेकिन कभी इंशाल्लाह जाऊँगा। और ये भी देखो भाई ये कहाँ का है, गुजरात का है ये वाला। और इधर साइड में भी मैं आपसे दिखाता, इधर भी प्रिंट ही है, ये नालंदा है, और यहाँ पे भी ये जयपुर का है, और ये वाला गुजरात का है गाइस देखो। और यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो ये भी एक रूम है, और इसके अंदर आपको रूम मतलब जैसे एंट्री मारिएगा यहाँ पे सबसे मतलब आते आते यहाँ पे आप सभी को हमारे गांधी जी का मतलब लुक देखने को मिलेगा गाइस देखो। इनका चश्मा के साथ साथ पूरा हर चीज़ यहाँ पे लगाया गया है, आप लोग देखो इनका स्टैचू। सो गाइस इस म्यूजियम के अंदर हमको सिर्फ एक ही स्टैचू ही अच्छा लगा है, मतलब यही एक मतलब अच्छा चीज़ से बनाया गया, नहीं तो और कुछ हमको सही लगा नहीं। ये सब देखो भाई इसके अंदर यहाँ पे सारे पत्थर है, पत्थर के जितने आकार होते हैं जितने डिजाइन होते हैं जितने प्रकार के पत्थर होते हैं वही सब यहाँ पे रह जाए। देखो अभी बॉल के कारण थोड़ा सा मतलब हमारे वीडियो में अप डाउन हो रहा है। और यहाँ पे ये हमको कुछ समझ में नहीं आया ये है क्या, आप लोगों को अगर समझ में आता है गाइस तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ये गाइस हमको बताओ। देखो ये हमको कुछ समझ में नहीं आया आखिर है क्या ये। और यहाँ पे हमारे कमाल भाई सिर्फ फोटो खींच रहे हैं, क्या है कमाल कुछ समझ में आ रहा है? ये सब शायद हड्डियाँ है बोन्स आदमी का बोन्स है आदमी का नहीं है किसी किसी जानवर का होगा। देखो भाई साढ़े 600 साल ये कितने से साल इसमें है कुछ नहीं पत्थर रखा हुआ बता रहे खुद नहीं खुलेगा वो। इधर देखो भाई इसमें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे देखो ये कितने साल पुराने हैं 1700 ईस्वी का है देखो और अभी चला है 2024। ये भी हमको कुछ समझ में नहीं आया ये है क्या, ये छोटी छोटी यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है और यहाँ पे ये क्या है सब मूर्ति है मिट्टी का बनाया हुआ, ये खुद से कलाकारी किया गया ना हाथ से बनाया हुआ है यहाँ पे गाइस देखो। ये भी मतलब मूर्तियाँ के मतलब स्टैचू खुद से ये बनाया हुआ है हाथ से वैसे तो खुद से बहुत सारा मूर्ति मतलब बनता भी हाथ से। अब देखो यहाँ पे जितने भी है ये खुद से मतलब कलाकारी कर मतलब वो आग में पकाया नहीं जाता है वैसे पका कर उसके बाद यहाँ पे स्टैचू लगाया गया है। ये बहुत सारे मतलब ये भी मतलब पका कर ऐसे छोड़ दिया जाता है जमीन के अंदर मिलता है हमारे घर का है। और ये देखो गाइस खंजर है बहुत सारे पुराना, ये हमारे घर पर भी मिलेगा।
हम लोग के साइड भी बहुत सारा ऐसे एंटीक पीस हम लोग के घर पे भी मिल जाएगा लाख। सो गाइस अगर आप लोग के घर पे भी कोई एंटीक पीस है, कोई सामान है, तो आप यहाँ पे आकर लगा दीजिए, यहाँ पे फ्री है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इस रूम का मैं पूरा मतलब वीडियो दे दिखा दिया, मतलब इसके अंदर क्या है कैसा है, इसके बाद मैं बाहर और भी देखता हूँ और आइटम मतलब है कि नहीं। तो इधर साइड में गाइस आप लोग देखो, इधर भी कुछ मतलब यहाँ पे प्रिंट लगाया गया है, ये भी जो कि राजस्थान का है, ये भी राजस्थान जयपुर का है आप लोग देखो, और ये भी कुछ है मध्य प्रदेश का है गाइस। ये क्या है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉकरोच जैसा कुछ कुछ प्रिंट ही लग रहा है। और ये कौन सा पहाड़ है, ये मध्य प्रदेश का है गाइस आप लोग देखो, और यहाँ पे भी कुछ स्टैचू है मूर्तियों का, ये भी देखो गाइस। यहाँ पे गाइस मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा मतलब प्रिंट ही दिखाया है, और कुछ एंट्रिक भी हमको दिखाया नहीं, सिर्फ यहाँ पे आप लोग ये तो मैं दिखाया हूँ, एक बस हमको ये दिखा, ये दरवाज़ा जो कि पत्थर से बनाया है बहुत ही कलाकारी के साथ, जो कि बनाया गया पूरा पत्थर का है, और हमको यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं, सिर्फ यहाँ से ये बाहर का इंटीरियर, ये जितने भी लोग यहाँ पे देखभाल करने के लिए हैं यहाँ पे आप लोग देखो, और ये इसका पूरा अंदर का इंटीरियर लगा आप लोग देखो। देख लो आप लोग, हम लोग अभी बाहर आए हैं, मतलब ये वाला है हम लोग का म्यूजियम, छपरा का म्यूजियम है, और इस मतलब बाहर का लुक है देखो आप लोग देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा से मतलब पेड़ पौधा लगाया गया, सब मतलब सफाई में बहुत ही अच्छा है गाइस आप लोग देखो। वहाँ पे मेरे कमाल भाई पहले ही जा चुके हैं, और अभी गाइस बादल देखो गाइस, मतलब ऐसा लग रहा है कोई वो बर्फ़ का टुकड़ा है मतलब ऊपर अटका हुआ है, आप लोग देखो कितना मस्त लग रहा है पूरा वाइट वाइट, लेकिन गर्मी भी लग रही है ना कमाल, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्या मस्त लग रहा है गाइस। और ये वाला क्या है, खुलने वाला भी खुला नहीं है, क्या खुलेगा, ऑडिटोरियम, हाँ सबसे अच्छा देखो गाइस, ये हो सकता है साइंस सिटी मतलब खुल जाए अभी गाइस, ये मतलब क्या खुलेगा मेरे को भी नहीं पता, ये अगर खुलता है तो हम लोग आकर मतलब दूसरे वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा। आप लोग हमारे चैनल पर न्यू, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को भी लाइक कर देना आप लोग। तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, देखते हैं बाहर, क्योंकि ये जो भी था मतलब यहाँ पे छपरा का म्यूजियम में वो ज़्यादा कुछ मेरे को दिखा नहीं, आप लोग तो वीडियो में दिखाया हूँ, सिर्फ मतलब ज़्यादा प्रिंट मतलब ऐसा लगाया गया था। आप लोग जहाँ पे छपरा का म्यूजियम तो देखे ही, आप लोग अगर अच्छी लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ऐसे ऐसे मतलब जो भी छपरा के जितने भी मतलब चीज़ों मैं आप सभी को वीडियो में मतलब दिखा दूँगा। और गाइस अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ा बहुत मतलब छपरा में हम लोग का काम हुआ है, तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि आज का ब्लॉग मतलब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं गाइस। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोग हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक वाइज फॉलो कर देना, और जितने कहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी हम भी फेसबुक पर भी आज वीडियो अपलोड होता रहता है, आप लोग फेसबुक पर जाकर फॉलो कर सकते हो, ओनली VIP गाइस मारोगे तो वहाँ पर आ जाएगा गाइस। ठीक है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा बहुत काम है। सो गाइस जो कि अभी थोड़ा सा हमको अंदर बुलाया गया है, वो शायद हम लोग एंट्री नहीं किए थे वहाँ पे, शायद क्या नाम है कॉपी पे एंट्री करना होता है जो भी लोग आते हैं, तो अपने लोग जा रहे हैं। चलो कमाल आप चलो भाई, यहाँ पे गए जो कि एंट्री करना पड़ता है, आप लोग अगर ये म्यूजियम आइएगा तो पहले आप लोगों को एंट्री करना पड़ेगा, हम लोग लेकिन लास्ट में एंट्री कर रहे हैं, पहले घूम कर एंट्री करना, अच्छा लास्ट में करना पड़ता है, यहाँ पे गए नियम है, इसीलिए लास्ट में एंट्री, मार दो मेरा भी पकड़ो, इसका भी करना पड़ेगा दोनों आदमी का। चलो सो गाइस चलिए हम यहाँ से निकलते हैं, तो गाइस जो कि आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक है, चैनल पर चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना गाइस। ओके गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।